बिहार के जिन दो सीटों पर उपचुनाव हो रहा है वहां पर चुनाव प्रचार करने अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पहुंचेंगे। जी हां, पहले आप उन तारीखों को नोट कर लीजिए जिस तारीख को तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पहुंचने वाले हैं। देखिए, बिहार के दो सीटों पर गोपालगंज और मोकामा में चुनाव हो रहा है और तारीखें जो बताई जा रही हैं वो कल और परसों की हैं, यानी 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर। जिसमें जो अभी तक खबरें निकलकर सामने आई हैं उसके मुताबिक 27 अक्टूबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गोपालगंज और मोकामा दोनों जगहों पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। इसी बीच खबर यह भी आई कि दो दिवसीय यात्रा पर ललन सिंह जो हैं, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी मोकामा पहुँच रहे हैं। तो सीधे तरीके से अब कहा जा सकता है कि लड़ाई जो है वो आर पार की है। तेजस्वी यादव जो हैं वो भी मोकामा और गोपालगंज इन दोनों जगहों पर, चूंकि जो प्रत्याशी दोनों जगहों पर हैं वो आरजेडी के ही हैं, इसलिए अधिक शक्ति बल जो है, अधिक जो शक्ति प्रदर्शन करना है वो तेजस्वी यादव को करना होगा। तो गोपालगंज 26 तारीख को पहुँचेंगे तेजस्वी यादव यानी कल, और 27 तारीख को मोकामा का उनका दौरा है, यानी लड़ाई जो है वो अब सीधे तरीके से आर पार की हो चुकी है। और सबसे बड़ी जो खबर है वो ये निकल कर आ रही है कि अब जो बैठक हुई है महागठबंधन में जिसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों लोग शामिल रहे हैं, उसमें ये बात की चर्चा हुई है कि बिहार के दो सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, दरअसल बिहार में महागठबंधन के लिए ये एक लिटमस टेस्ट है। जनता का मूड क्या है, जनता किस रुख में है, क्या जनता इस गठबंधन को पसंद कर रही है, क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जब से साथ आए हैं तब से जनता उनके साथ है या बीजेपी की तरफ रुख कर गई है, इन तमाम मसलों पर चर्चा हुई है। और इसे ही लेकर ये फैसला लिया गया है कि 27 अक्टूबर और 26 अक्टूबर, दो दिन आप कह सकते हैं, इन दोनों दिनों पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो है वो मोकामा विधानसभा और गोपालगंज विधानसभा का दौरा करेंगे। सिर्फ दौरा ही नहीं करेंगे बल्कि जनसभा को संबोधित भी करेंगे, अपने पक्ष में वोट मांगेंगे। देखिए, कई दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि आखिरकार जेडीयू जो है वो चुप क्यों है, क्या जनता दल यूनाइटेड के जो लोग हैं, जो बड़े नेता हैं, वो इन चुनावों में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे हैं। तो अब तस्वीरें जो है वो साफ हो चुकी हैं। एक तरफ मुकेश सहनी ने भी ऐलान कर दिया है कि गोपालगंज और मोकामा दोनों जगहों पर जो मल्लाह वोट होगा वो राजद के प्रत्याशी को गिरे, इसके लिए वो चुनाव प्रचार करेंगे। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार और ललन सिंह यानी बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन दोनों लोगों का भी अब ये खबर जो है ये ऐलान कर दिया गया है कि ये दोनों लोग भी अब मोकामा जाएंगे और गोपालगंज जाएंगे। तो दूसरी तरफ बीजेपी की अगर आप बात कर लीजिए तो बीजेपी ने करीब करीब 40 स्टार प्रचारक उतारा है इन विधानसभाओं में, ताकि जनता जो है वो कहीं जाए ना। सोनम सिंह लड़ रही हैं, सोनम देवी लड़ रही हैं, क्योंकि बाहुबली नेता ललन सिंह की पत्नी है मोकामा से, और स्वर्गीय सुभाष सिंह जो गोपालगंज से 4 बार विधायक रहे हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे, उनकी पत्नी कुसुम सिंह गोपालगंज से मैदान में है। चुनाव जो है वो कांटे की टक्कर हो रही है, बेहद दिलचस्प हो चुका है। और इसी बीच ये ऐलान हो गया कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मोकामा और गोपालगंज में चुनाव प्रचार करने पहुंचेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहिए तो बिहार टॉप के साथ। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।